जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी के पास गया था 1998-1999। हम लोग थोड़ा पुराने संगत है। उस समय गुरु जी के यहाँ मतलब उतने लोग जाया नहीं करता था। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में बहुत कम लोग होते थे। पहले तो हमारा सत्संग हुआ करता था बृहस्पतिवार, सैटरडे और संडे। फिर बाद में वो ओनली सैटरडे संडे हो गया। और शुरू शुरू में तो करीब करीब 25-30 लोग ही हुआ करता था। और उस समय गुरुजी खुद संगत में लंगर में खाना परोसते थे। गुरुजी उस समय गप्पे भी मारते थे। हंसी मजाक भी हमारा हो जाता था। तो ये मान लीजिए स्थिति थी 98-99, 2000, 2001, 2002। तो वहां बहुत संगत आता था। कुछ संगत रेगुलर था, जैसे मेनका गांधी जी रेगुलर थी, सिंगला जी थी, फिर कर्नल जोशी था, कर्नल चैटर्जी था, हरमिंदर सिंह एक जेंटलमैन था, वो भी रेगुलर आता था। फिर वैसे कुछ रेगुलर थे, बाकी तो फ्लोटिंग संगत बहुत थे। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, राइटर्स, उन लोग भी आया करता था। तो बहुतों का कल्याण हुआ है। ये तो हमने एक्सपीरियंस गुरुजी के साथ, ये तो हमने देखा है। और कल्याण, शरद पवार जी आए थे। कुछ चीज है जो उनका उस समय कैंसर था, डॉक्टर ने बोल दिया था कि मतलब वो ठीक नहीं होने वाले हैं। वो था सन 2002-2003। गुरु जी बोला था तेरा कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, तुम मंत्री बनेगा फिर। तो गुरु जी का कृपा से तो शरद पवार का तो अभी ठीक ही है। फिर मैं प्रणब मुखर्जी आया करता था। तो उस समय प्रणब मुखर्जी एमपी भी नहीं था। तो गुरु जी बोला था तू बहुत बड़ा बनेगा, तो मेरे सामने ही बोला था। तो बाद में तो प्रणब मुखर्जी मंत्री बने और देश की राष्ट्रपति भी बने। बहुत लोगों की बीमारियां भी गुरु जी के यहाँ देखा, ठीक हो गया। बहुत मिरेकल्स भी हुआ है। संगत में पहुंच गया, गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, गाड़ी 50-70 किलोमीटर चल गया। कैसे चला किसी को मालूम नहीं, गुरु जी के यहाँ पहुंच गया। तो वैसे तो बहुत मतलब हमने संगत में देखा है। बाद में संगत थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो उसके बाद गुरु जी संगत में लंगर नहीं परोसते थे। गुरु जी बैठे रहते थे और हम लोग मतलब लंगर से सर्व हो जाता था। ये था 2005-2006। और जिस 2007 गुरु जी के महासमाधि के पहले वाले लास्ट वाला संगत जो था, तो उस समय गुरु जी किसी एक से पूछा था कि जो पूछना है पूछ लो, इसके बाद मैं नहीं रहूंगा इधर। तो संगत बाकी समझे कि गुरुजी शायद लुधियाना, इसके बाद वाला संगत में मैं नहीं रहूंगा। तो लोग सब समझा कि शायद गुरुजी लुधियाना जाएंगे, क्योंकि सॉरी जलंधर, गुरुजी का और एक आश्रम है जलंधर में, तो जलंधर में जाएंगे। बट कोई नहीं समझा कि गुरुजी महासमाधि ले लेंगे। तो वो जो समय था वो मेमोरेबल था। और मतलब वो तो हमें बहुत आशीर्वाद मिला। वो जब गुरुजी के वहां हम लोग जाते थे,
बाद में चुप बहुत लोग चुपचाप मेडिटेशन करता था, कोई बात उतना नहीं होता था, तो लोग चुपचाप बैठे रहते थे संगत और मेडिटेशन करते थे। तो ये हमारा मतलब डेली रूटीन हुआ करता था। और जिसका जिसका प्रॉब्लम है वो गुरुजी से अपना प्रॉब्लम गुरुजी को पेश करते थे, गुरुजी उनका कृपा करता था। तो ये है। इसके बाद मैं थोड़ा चाहूंगा कि ये इंटरैक्टिव हो, तो बेसिकली आई वुड लाइक, आई मीन यू कैन आस्क क्वेश्चंस विच विच यू नो आई विल आंसर देम। आई थिंक दैट विल बी अ बेटर वे देन यू नो कलेक्टिंग एंड गोइंग फॉर ए मोनोलॉग। तो यस यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। शाह संगत जी, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सीन गुप्ता अंकल से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्लीज रेज योर हैंड्स वन बाय वन। तो इसमें से कोई है संगत जो हम आज पार्टिसिपेंट्स में, जो कि गुरुजी के मतलब पुराने संगत है कि सब नए हैं? सुचित्रा आंटी, ओवर टू यू। यू कैन, यू मे आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम सीन गुप्ता अंकल। जय गुरु जी। अंकल जी, अंकल जी, मुझे पूछना था कि जब आप जाते थे गुरु जी के पास, तो गुरु जी ने जैसे हमें मंत्र जाप के लिए कहा था, तो आप उसी टाइम पे आप लोग भी वही मंत्र जो आप भी जो सब संगत मंत्र जाप करते हैं, तो उसी टाइम आप लोग भी यही मंत्र जाप करते थे? गुरु जी नहीं, ने हम लोग क्या का कोई कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, फ्री फॉर्मेट था, कोई मंत्र जाप नहीं था, कुछ नहीं था। हम लोग चुपचाप बैठे रहते थे, जो अपना अपना जाप करना, जो चुपचाप मेडिटेशन करना, वो हम लोग बैठे रहते थे। कुछ भी थे वो गप्पे भी मारते थे। तो वैसा कुछ, कोई फॉर्मेलिटीज तो हमने देखा नहीं, एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस में तो कोई मंत्र जाप या गुरुजी कभी, मतलब प्राइवेटली अगर किसी को बोला होगा तो अलग है, अदरवाइज पब्लिकली कभी नहीं बोला, और कभी वो होता भी नहीं था। एक सज्जन था, मैं उनका नाम भूल जाता हूँ, वो गुरुबानी सदगुरु गुरुजी कृपा करो, वो सेट ऑफ 7-8 सॉन्ग्स है गुरुजी का। वो सॉन्ग्स अभी बहुत सुनाई नहीं देता, अभी कुछ नया सॉन्ग्स आ गया है, तो वो 6-7 सॉन्ग्स है, वही सॉन्ग्स बैकग्राउंड में बजते रहता था। कैसेट था उस, तो कैसेट का जमाना था, और हम लोग सब चुपचाप बैठे रहते थे, कोई मंत्र जाप कुछ नहीं था। तो आप लोग जब जाते थे वहां पर लंगर प्रसाद क्या आप लोगों को डेली होती थी? वहां पर गुरुजी के लंगर प्रसाद डेली होते थे? हाँ, वो तो जिस दिन संगत होता था उस दिन तो लंगर प्रसाद होता ही था। चाय 2-3 बार चाय आता था और फिर लंगर होता था। शुरू शुरू में तो गुरुजी खुद लंगर में प्रसाद देते थे अपने हाथों से, पर जब लंगर थोड़ा बड़ा हो गया, मतलब उस समय के बात है, वो मान लीजिए 97-98, जब 25-30 ऐसा लोग हुआ करता था, पर जब 2003-04 में ये बढ़ के 100-70-100 हो गया, तब गुरुजी नहीं, खुद नहीं लंगर देते थे, वो बैठे रहते थे और उनके सामने लंगर होता। ओके, अंकल जी, और कोई संगत अगर अपना आप कुछ पूछना चाहते होंगे तो अंकल, ओवर टू यू अंकल जी, पासन अंकल जी। व्हाट यू आसन अंकल जी, जय गुरु जी महाराज। केन गुप्ता अंकल, सिर्फ मेरे को तो इतना ही पूछना है कि उस समय जो नॉर्थ इंडिया से बाहर की संगत थी, क्या वो ज्यादा आया करती थी? बाहर से मतलब कुछ संगत थे जो रेगुलर थे। एक संगत था मुंबई से आया करता था, वो हर एक वो फ्राइडे को आ जाता था, सैटरडे संडे संगत में आता था, फिर मंडे मॉर्निंग चला जाता था। तो वैसा था, एक संगत मुंबई का था, एक संगत, और बाकी सब संगत मोर और लेस पंजाब और दिल्ली के आसपास। हाँ, दैट वॉज द टाइम वेन गुरु जी डिडंट चूज मैनी संगत फ्रॉम साउदर्न एंड ईस्टर्न स्टेट्स। मुझे लगता है कि ईस्टर्न क्योंकि उस स्टेट से बहुत कम था, ईस्टर्न स्टेट से संगत तो मतलब सदर्न स्टेट से था, कुछ संगत था,
जो कि जब दिल्ली आता था तो आता था, बट रेगुलर नहीं था। बट ईस्टर्न स्टेट से तो मैं रेयरली किसी को देखा हूं, मेनली दैट्स राइट यूपी यूपी मतलब बाकी जो संगत थे, मतलब मैं बोलूंगा नॉन हिंदी स्पीकिंग संगत, ये तो थोड़ा सा राइट वर्ड होगा, पर उन लोग सब रिसाइडिंग इन दिल्ली, चंडीगढ़, जलंधर, इस एरिया में रहने वाले थे। हिंदी स्पीकिंग नहीं था, जैसा मैं बंगाली स्पीकिंग हूँ, पर मैं ईस्टर्न इंडिया से नहीं आता था, मैं दिल्ली में रेसिडेंट था उस समय। यू आर इन तो मैं गुड़गांव दैट यू आर विद हाँ तो सीमेंस मैं यू आर विद सीमेंस दैट तो टाइम हाँ तो मैं दिल्ली संगत के हिसाब से ही आता था। दैट्स राइट दैट इज द ओनली रीजन वी फाइंड वेरी लेस संगत फ्रॉम साउथर्न एंड ईस्टर्न स्टेट्स हाँ, तो सदर्न एंड ईस्टर्न स्टेट से संगत बहुत कम है। कुछ था, मतलब कुछ था जो कि हम, मतलब हमारे साथी थे जो कि जब आते थे दिल्ली टूर में आते थे, उन लोगों का संगत, उन लोग आता था संगत में। बट एज सच सदर्न और ईस्टर्न में गुरु जी का महिमा उस समय उतना प्रचार नहीं हुआ था। पर हाँ एक चीज है, गुरु जी बोलता तो था, हमें बोलते थे कि अभी जो इतना आप लोग बेसिकली, उनका उनका स्टाइल ऑफ स्पीकिंग था कुछ मिक्स्ड विद पंजाबी एंड हिंदी, तो मतलब उसका जो हिंदी मीनिंग निकलता है तो वो बोलता है कि अभी जितना मस्ती करना है तुम लोग कर लो, इसके बाद तो मेरा इतना संगत, इतना लोग होगा कि तुम सामने नहीं आ पाओगे। और एक्चुअली वही हुआ है, अभी तो इतना संगत हो गया, अब तो मान लीजिए कि मैं भी मंदिर नहीं जा पाता हूँ, इतना भीड़ है, तो मैं हम लोग दूर ही रहते हैं। तो आई गॉट यू थैंक यू शुरू शुरू में जब गुरु जी का हमारा बड़े मंदिर में होता था, तो बड़े मंदिर में नॉर्मली महाशिवरात्रि सेलिब्रेट होता था, गुरु जी का जन्मदिन और जन्माष्टमी, ये तीन सेलिब्रेशन तो होता था। तो शुरू में तो हम लोग गाड़ी लेके तो सीधा बड़ा मंदिर के बाहर पार्क करते थे, और वो हॉल के अंदर ही सब आ जाता था। पर अभी तो मतलब इतना किलोमीटर आगे पार्किंग होता है, इतना पार्किंग कंट्रोल, उस समय पार्किंग कंट्रोल उन्ट्रोल कुछ नहीं था, खाली एक एक दो आदमी संगत रहता था जो कि कार को थोड़ा सा लाइन में पार्क करता कि जाम ना हो, बाकी तो हम लोग उधर ही कार रखता था। वेरी राइट वेरी राइट वेरी ये तो है। राइट हाँ थैंक यू सर गुप्ता अंकल जय गुरु, जय श्री। अविनाश मोदी अंकल यू मे आस्क सम क्वेश्चंस अविनाश मोदी अंकल शुक्राणा गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राणा। पार ब्रह्म परमेश्वर निरंकार अकाल पुरख, बहुत बहुत शुक्राणा। शुक्राणा गुप्ता साहब, आप गुरु जी का शुक्राणा गुरु आपने जी। फिजिकल अंकल, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा मन में ये बात आई है कि जैसे आप गुरु जी के पास बहुत पहले गुरु जी के फिजिकल चोले में मिले, तो गुरु जी के आजकल आप कई गुरु जी के चोला छोड़ने के बाद आपको जो सत्संग हुए उसके बारे में जानने की इच्छा है, और गुरु जी ने डिवाइन जो आप दर्शन दिए सपने में उसके बारे में जानने की इच्छा थोड़ा हो रही थोड़ा है। थोड़ा सा कट गया आप, थोड़ा सा दोबारा थोड़ा रिपीट कर, थोड़ा कट गया। मैं अंकल ये जानना चाह रहा हूँ, गुरु जी के चोला छोड़ने के बाद आपके जो सत्संग हैं बाद के, चोला छोड़ने के बाद के, और गुरु जी ने जो डिवाइन दर्शन आपको दिए होंगे उसमें आपको आपकी फैमिली में, मैं उसके बारे में जानने में इच्छुक हो रहा हूँ। तो गुरु जी ने जो मंत्र जाप आपने कहा है उस वक्त नहीं दिया था, तो गुरु जी ने आप कई संगत को सपने में भी दिए हैं या वैसे भी दिए हैं, तो अब क्या गुरु जी ने आपको इस मंत्र जाप के लिए या शिव पुराण के पाठ के लिए कभी बोला है सपने में, या वैसे कोई इंट्यूशन या ऑर्डर दिए हैं आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग ऐसे मंत्र जाप हम लोग करते थे, गुरु जी बोलता था अगर कोई भी मंत्र जाप करो, शिव जी का मंत्र जाप करो, कुछ भी मतलब जो अपने को अच्छा लगे वही जाप करो। और गुरु जी के महासमाधि के बाद हम लोग घर में ही कर लेते हैं, और कभी कभी गुरु जी का तो फील होता है, क्योंकि गुरु जी का एक फ्रेग्रेंस है, हाँ जी वो टिपिकल, वो रोज लाइक है, पर ये हाँ जी रोज मैं नहीं बोलूंगा, मतलब हाँ जी जो मतलब हम लोग जो संगत उस समय जाते थे वो फ्रेग्रेंस उस समय हमें मिलता था गुरु जी के सामने, जो कि हाँ जी गुरु जी का ब्लेसिंग्स था।
पर कभी कभी हाँ उसके बाद वो जो गुरुजी का जो वो फ्रेग्रेंस है हाँ वो जी हाँ मिलता है, जी तो हम लोग समझते हैं कि गुरुजी आशीर्वाद कर रहा है, क्योंकि हाँ जी गुरु शक्ति तो इमोर्टल है, हाँ जी और वो तो डिफरेंट एक्चुअली ये जो है ना, गुरुजी एक बार बताया भी था, ये जो जो भक्तों का आधार का हिसाब से ये हाँ गुरु जी गुरु गुरु शक्ति उसको फील होगा, किसी हाँ जी को सपने में आएगा, किसी को डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग आएगा, हाँ ठीक जी है। तो ये फीलिंग हमें पूरा संगत को कभी मतलब वही किसी को जैसा किसी को दर्शन दिया है, किसी को मतलब सपने में बोला है, किसी को कुछ हुआ है, किसी को मतलब प्रेजेंस ऑफ फ्रेग्रेंस से ही पता लगता है कि गुरु जी आशीर्वाद करके गया है, तो हाँ डिफरेंट जी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस तो है हाँ जी हमारे संगत का। तो हाँ जी तो अब आप गुरुजी के अलावा और कुछ भी करते हैं अंकल? खाली गुरुजी का सब जो भी है सब गुरुजी में ध्यान है, मेडिटेशन में भी बैठते हैं गुरुजी हाँ के नहीं, मेडिटेशन? हम तो हमें तो पर्सनली गुरुजी हमें योगा ध्यान में जाने बोला था, हाँ जी तो हम उधर गए हैं। वो पर्सनल इंस्ट्रक्शन है, वो तो वो पब्लिक नहीं है। हाँ जी तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी का जो योगा एंड मेडिटेशन है, तो मैं उसमें हूँ। क्रिया योग में, क्रिया हाँ योग जो यस है। हाँ जी यस तो वो गुरुजी ने कभी तो क्रिया योग के लिए भी आदेश दिया था जी या नहीं दिया था जी? पब्लिकली देखिए गुरुजी ना, हाँ जी हमने कभी देखा नहीं गुरुजी पब्लिकली किसको कोई आदेश दे रहा है, प्राइवेटली दिया है, हाँ जी अच्छा प्राइवेटली किसी को बोला ये मंत्र जाप कर लो, प्राइवेटली किसी को बोला है उधर चले जाओ, प्राइवेटली किसी को बोला है हरे रामा हरे कृष्णा करो, प्राइवेटली बोला होगा, हाँ इंडिविजुअल जी को बोला है, बट अच्छा पब्लिकली कभी कुछ नहीं बोला। मतलब प्राइवेटली में क्रिया योग के लिए भी गुरुजी ने बोला है किसी को जैसे आप कह अब रहे हैं? प्राइवेटली क्रिया योग को बोल के तो उस समय नहीं बोला, तो हाँ जी बोला जा आप मेडिटेशन योगा करो, तो हम पहुंच गए, रास्ता हाँ ठीक तो बात वही दिखाने वाले, हम लोग पहुंच गए। हाँ क्रिया जी बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक योग नाम से नहीं बोला, तो हाँ जी हाँ जी हाँ बोला जी आप हाँ जी मेडिटेशन करो, तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हम भी तो ढूंढ ढूंढ के वहां पहुंच गए। मेडिटेशन तो सबसे ऊपर पोजीशन बताई है गुरु महाराज ने। बेम्बी की किताब में भी गुरु जी ने बताया था 15 मिनट की मेडिटेशन करने के लिए और कहा था कि ये सर्वोत्तम मतलब नंबर वन है यदि मेडिटेशन में कोई बैठता है और गुरु जी का ध्यान लगाता है। तो जैसे हमारे और एक एक साथी थे कर्नल चैटर्जी, गुरुजी का बहुत बड़ा भक्त थे, वो करीब हाँ करीब जी गुरुजी के साथ 1970s से था, हाँ जी तो उसको बोला था आप देवी का पूजा करो, तो अच्छा हाँ वो देवी माँ का पूजा करता था, जी अच्छा 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 तो बहुत वैसा बढ़िया इंडिविजुअल बोला है, किसी को बोला है गुरबानी पढ़ो, ये क्या बोलते गुरुद्वारा जाओ, तो वो गुरुद्वारा जाता है। हाँ हाँ जी ठीक बिल्कुल ठीक है जो गुरु जी ने आज्ञा दे दी ठीक बात है। तो जी आजकल गुरु जी मतलब सपने में जिसके चाहे उसके आएंगे मतलब हर एक के नहीं आते हैं? नहीं, हर एक के वैसा तो नहीं आता है, ठीक हाँ जी है, तो हाँ बट जी हाँ किसी किसी का आया है, पर हाँ जी हाँ जी हाँ संगत अपना गुरु जी का प्रेजेंस फील कर सकता है, आशीर्वाद फील कर सकता है, वो फ्रेग्रेंस आता है, कभी कभी आता है, मतलब वो भी कोई रेगुलर नहीं है, हम हाँ मैंने जी तो कोई रेगुलर मतलब ऐसा फीलिंग नहीं हो, बट कभी कभी हाँ वो हाँ स्मेल जी आता है घर के अंदर, तो हमें महसूस होता है कि गुरुजी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, मतलब रेगुलर नहीं है। तो अंकल जी उस समय में शिव पुराण पढ़ने के लिए भी आपको नहीं कहा गुरु जी ने कभी? नहीं, कोई पुराण अच्छा कोई पाठ कुछ नहीं, अच्छा ठीक है मेडिटेशन बता दिया बस ठीक है बात है। इंडिविजुअल किसी को बोलता है जाप करो, किसी को बोला पाठ करो, किसी को बोलता है पूजा करो, किसी को बोला है मेडिटेशन करो। ठीक बात है ठीक है बिल्कुल ठीक ठीक बात है कभी कभी किसी को बोला है असली चीज तो आप लोग मांगते ही नहीं हो, आप हाँ लोग तो जी मेटेरियलिस्टिक ये वो तो मतलब बेकार का चीज है, वो तो मैं 2 मिनट में दे देता हूँ, बट असली चीज हाँ जी मांगने वाला कोई नहीं है। हाँ जी हाँ जी तो बिल्कुल ठीक है। आपने क्या महसूस किया अंकल? ही इज द अल्टीमेट लॉर्ड महाशिवा और व्हाट अभी तक आपके दिमाग में क्या इनकी धारणा बनी है?
देखिए, अगर आप स्क्रिप्चर्स को पढ़ेंगे, हाँ जी, तो स्क्रिप्चर्स में मतलब शिव पुराण में भी अगर मान लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ शिव पुराण पाठ हो रहा है, हाँ जी, तो अगर आप देखिएगा मतलब शिव शिव क्या है, हाँ जी, अगर शिव पुराण में अंदर जाएंगे तो आपको जो चीज लगेगा कि हाँ ये यूनिवर्स जब बना, ये जो पृथ्वी बना है, ये जो होल चीज बना है, हाँ जी, दो स्वरूप है, एक स्वरूप है पुरुष परम पुरुष और दूसरी हाँ जी, स्वरूप है प्रकृति। हाँ जी, परम पुरुष जो कि सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, हाँ जी, इससे परम पुरुष से जो होता है सृष्टि की आधार होती है, हाँ जी, और जो सृष्टि है वो महामाया, वो प्रकृति है। हाँ जी, ठीक है, तो वो एक शिव हो गया, एक को हम लोग उस परम पुरुष को हम लोग बोलते हैं शिव, और हाँ जी, उसी लिए शिव जी का जो प्रतीकी है लिंग, हाँ जी, लिंग का मतलब होता है प्रतीकी, लिंग का मतलब जेंडर नहीं है, संस्कृत में लिंग का मतलब होता है प्रतीकी, हाँ जी, और सिंबॉलिक, और शिव हाँ जी, जी का जो जो आधार में वो सिंबॉलिक है शिव लिंग, और शिव हाँ लिंग जी, का वो शेप क्यों है, वो शेप इसलिए है कि वो इनफाइनाइट है, इस सेक्शन का पार्ट भी हो चुका है। हाँ तो जी, ये जो इन्फिनिटी इनफिनाइट कॉन्शियसनेस है, हाँ जी, इसका प्रतीकी है, इसका प्रतीकी है शिवलिंग, हाँ जी, और डुअलिटी में जो शिव जी का मूर्ति है वो डुअलिटी पार्ट है। हाँ जी, तो ये जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, इस हाँ जी, कॉन्शियसनेस से साधना से जो मिल चुका है वो उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस का पार्ट बन जाता है। हाँ जी, तो गुरु जी उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस का पार्ट था, वो हाँ मिल जी, चुके थे। हाँ जी, हाँ, हाँ तो जी, अगर वो शिव, तो अभी तो इसीलिए मैं एक्सप्लेन करके, अगर उस गुरुजी में वो जो शिव शक्ति है, हाँ गुरुजी में वो शिव शक्ति है, अगर हाँ गुरुजी जी, में आप बोलेंगे वो कृष्ण का आधार है, हाँ वो कृष्ण जी का भी आधार है, हाँ जी, क्योंकि वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस तो इमोर्टल ही है, इमोर्टल है, हाँ और जी, गुरुजी उस इमोर्टल का पार्ट था, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस से मिल चुका था, उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस का पार्ट था। हाँ तो जी, ये सुप्रीम कॉन्शियसनेस तो शिव है, तो उस हिसाब से गुरुजी शिव भी था, गुरुजी कृष्ण भी था, हाँ गुरुजी जी, काली भी था। तो जिसको जो जो जिसको जो भगवान से गुरुजी को देखना चाहता है उसी रूप में गुरुजी को देख पाते थे। हाँ जी, मुझे अंकल गुरुजी ने अपने बारे में बहुत कुछ बताया, दिखाया, बताया। मैं गुरुजी से जुड़ने से पहले कई गुरुओं के पास गया हूँ, और उसके बाद ज्वाला माता जी जो अखंड जोत जगती है हिमाचल में, वहाँ युगों युगों से जगड़ी है, वहाँ पंडित जी ने हमें बीच में पूजा के बीच में, हम 3 दिन के लिए रुके थे, भीड़ में से हमें रोक लिया सेकंड डे और कहा जो मांग लो माँ से जो मांगना है। मैं माँ का, भगवती माँ का बड़ा भक्त रहा हूँ और उनकी कृपा से सारे काम होते थे, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा। तो मैंने माँ से मांगता नहीं था, तो मैंने उस दिन माँ से मांगा, मैंने माँ कोई सदगुरु है या ऐसे ही मर जाऊंगा। तो उसके बाद ये गुरु महाराज मुझे मिले हैं। फिर इससे पहले गुरु जी ने मोबाइल में मेरे आ गए थे 3 अगस्त 2015 में, और 15 दिन गुरु महाराज मेरे मोबाइल पर रहे। मुझे शुरू शुरू में इनकी फोटो अच्छी नहीं लगी, मैंने कहा फिरोज खान डोन आ गए हैं। फिर उसके बाद गुरु जी ने अपने बारे में मुझे 15 दिन में इतनी इतनी चीजें बताई कि मैं फर्श पर उछलता था, मिल गए मिल गए मिल गए, और वो चीज गायब हो जाती थी। उसके बाद 18 अगस्त को गुरु जी चले गए, उसके बाद मैं ज्वाला जी गया, उसके बाद मैंने गुरु जी से बाद में सवाल किया, गुरु जी मुझे तो आपकी जरूरत नहीं है, मुझे तो माँ भगवती की कृपा से सब काम होते हैं। तब गुरु जी ने अपने डिवाइन दर्शन दिए, गणेश जी के रूप में, भगवती के रूप में, शिव शंकर भोलेनाथ के रूप में, गंगा माँ सिर पर बैठी उसके रूप में, और 3 मुंह वाले गुरु जी के रूप में। फिर गुरु जी ने कहा मैं ही सब कुछ हूँ। गुरु जी ने मुझे शिव पुराण पढ़ने के लिए कहा सपने में आके, कि तुझे बाट नहीं है और कोई नियम व्रत नहीं है इसके लिए, कि कोई व्रत नहीं करने। मैंने अपनी मिसिस को मना कर दिया, तो मैं करवा चौथ का व्रत भी नहीं रखना। और गुरु जी ने बहुत फ्रेगनेंस महसूस करवाई है जगह जगह, बहुत बार जो मन में इच्छा हुई बिल्कुल ठीक, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। 70 ईयर्स का हूं मैं, गुरु महाराज की कृपा से, एक थायराइड के अलावा मुझे कोई बीमारी नहीं है अंकल, ये सब गुरु महाराज की कृपा है। मुझे गुरु महाराज पग पग मेरा साथ देते हैं, जो मन में इच्छा होती है पूर्ण पूर्ण हो जाती है हर काम।
और इन ये पार ब्रह्म परमेश्वर निरंकार अकाल पुरुष सदगुरु यही है। और मैं एक ही लाइन मंत्र की करता हूँ, ओम नमः शिवाय से 20-10 आए, साथ में भगवती माँ के भी कुछ पाठ जरूर करता हूँ, केवल उनका आभार प्रकट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने ही इनके पास मुझे भेजा है। और ये मेरे मन में भाव है, ज्वाला माई ने अपने शिव रूप के पास मुझे भेजा है, तो मुझे तो पूर्णता यही नजर आती है। कल क्रिया योग वालों का मम्मी से मेरे पास फोन आता है कि अंकल आप वो ये कीजिए क्रिया योग का। मैंने कहा ना, मुझे गुरु महाराज ने क्रिया योग के लिए नहीं कहा, मैं क्रिया योग नहीं करूंगा। एक बार अर्चना श्रीवास्तव जो यूएसए में है, उनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने क्रिया योग करके वो गुरुजी के पास पहुंची थी महा अवतार बाबा जी को देखने के लिए। तो गुरुजी ने महा अवतार बाबा के रूप में उनको दर्शन दिए थे। तो मैंने उनको कल मना कर दिया, उन जो बम्बे से फोन आया था, मैंने कहा मैं क्रिया योग नहीं करना चाहता, हाँ मेडिटेशन जरूर सीखना चाहता हूँ मैं। तो आपसे आंसर ये बात बिल्कुल ठीक है, गुरुजी महाराज ने हर एक संगत को अलग अलग बताए हैं, कुछ कॉमन मंत्र बताया है ओम नमः शिवाय का आगे चल के, और आगे चल के फिर ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय कह दिया, और यही मैंने समझा है जो आप कह रहे हैं वही सब चीजें। मेडिटेशन सबसे ऊपर है मेरे दिमाग में, यही है। तो यही शिव पुराण में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी सृष्टि रचना नहीं हुई तो महादेव जी ने कहा मैं तो गुरु रूप में आऊंगा साधारण भेष में, ये गुरु महाराज वही शिव जी आए हैं, मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर पिक्चर है। तो मैं आपसे अब साझा कर रहा हूँ, आप एग्री कर रहे हैं अंकल? हाँ, तो मैं बोला ना, तो वही, तो मैं तो वही चीज बोल रहा हूँ ना, वो जो सुपर कॉन्शियसनेस है, तो गुरु जी शिव जी है, गुरु जी कृष्ण जी है, गुरु जी देवी माता है, जो रूप से उस कॉन्शियसनेस को देखना चाहता है गुरु जी वही है। हाँ, वही दर्शन देते हैं जी, वही देते हैं, बिल्कुल वो देते हैं। हाँ जी अंकल, और कुछ सुनाइए, आपसे सुनने का मन हो रहा है, आपके सत्संग बहुत है आगे, जो गुरु जी के चोला छोड़ने के बाद के सत्संग है वो सुनाइए, याद कीजिए, आपके तो साथ सत्संग की लाइन लगी हुई है आपके आगे भी पीछे भी, आप क्यों सुना रहे? गुरु जी का देख, गुरु जी के महासमाधि बात तो उतना सत्संग में हमें ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि जो पुराने संगत है, आपके साथ के सत्संग तो हैं जो आपके साथ घटे हैं, आपकी आपके साथ आपकी फैमिली के साथ एक्सपीरियंस तो गुरु जी के साथ जो मतलब, हाँ कुछ चीज जो है हमने बहुत कुछ मतलब सत्संग में देखा है, बहुतों की बीमारें ठीक हो गई, तो मतलब मेटीरियलिस्टिक गेन तो बहुतों का हुआ है। हाँ जी, बहुत लोग डिफरेंट प्रॉब्लम में था, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है गुरु जी के पास आके। तो वो सब तो हमने देखा है, मतलब वो हर एक आदमी अपना अपना जो जो संगत है वो अपना अपना एक्सपीरियंस तो वहां बोला है, अब वो किताब में ऑलरेडी देवबानी में तो आ गया है। हाँ जी, तो वो तो है, पर मतलब बाकी जो सत्संग है कि मतलब गुरु जी के साथ, हाँ एक चीज था, गुरु जी का सत्संग का दो पार्ट हुआ करता था, एक है लंगर तक, और उसके बाद लंगर जब हो जाता था तो गुरुजी सिलेक्टेड फ्यू को बैठने बोलता था, तो वो गुरुजी सिलेक्ट करते थे, तो बाकी लोग मतलब बैठना है तो मुझे बोलेगा कि आप बैठ जाओ, बाकी नहीं तो बोलेगा आप जाओ खट जाओ। हाँ जी, तो जो जब जब बैठता था तब गुरुजी मतलब एकदम नॉर्मल इंसान के तरह, मतलब मान लीजिए वो तो मतलब बेस्ट वर्ड है, वो तो गप्पे का संगत होता था, और वो चलता था रात 12 बजे तक 1 बजे तक, तो वो अलग सा ही माहौल था। तो मिडनाइट में उस समय तो मैंने देखा था 98-99 एनडीए की सरकार थी, तो वाजपेयी जी आया करते थे मिडनाइट के बाद, आडवाणी जी आया करते थे, तो वो सब तो हमने देखा है। अच्छा देखा, बहुत बताइए एक्सपीरियंस अंकल, वो क्या क्या होते हैं, आप बैठते थे गुरु जी के पास रात को? तो देन वो सब मतलब वो ज्यादा मौका नहीं मिलता था, वो मान लीजिए कभी कभार गुरु जी किसी को बुला लिया तो जब बैठते थे गुरु जी कुछ गप्पे करते थे, कैजुअल डिस्कशन होता था गुरु जी के साथ, तो कोई संगत को गुरु जी बोलता था बताओ तुम्हारा एक्सपीरियंस, तो फिर वो बताता था अपना एक्सपीरियंस, तो गुरु जी किसी का टांग खिंचाई भी कर देता था। हाँ जी, तो वैसा करके ही निकल जाता था, तो वो कोई फ्री फॉर्मेट था।
उस दिन गुरु जी ठीक किया कि आज इन चारों आदमी का टांग खींचूंगा, तो वो चारों आदमी का टांग खींचाई शुरू हो गया। तो वही वो तो अलग सा ही माहौल था। आप लोगों ने पहचान लिया था जब प्रभु हैं ये ऑल माइटी हैं, उस वक्त नहीं पहचान पाए आप लोग महापुरुष, क्या समझा आप लोगों ने उस वक्त? वो तो था, नहीं तो लोग जाएगा क्यों? तो जब हम लोग जाते थे मतलब अगर आप मान लीजिए अगर आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब है, हाँ जी, तो लोगों का जो माइंड मान लीजिए बहुत डिस्टर्ब है, बहुत वो स्टेट में है, तो गुरु जी के वहां बैठने के बाद वो माइंड लोगों का ठंडा हो जाता था, एकदम ठंडा। और बाकी तो हम लोग गुरु जी का तो वाइब्रेशन, गुरु जी का महानता, गुरु जी की जो आशीर्वाद हो तो हमने महसूस किया है। तो जब वो महसूस जब आप खुद कर लेते हो तो बाकी तो डिवाइननेस का तो कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है एक्चुअली ना। आप ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये प्रश्न कभी हमारे मन में था ही नहीं। हाँ जी ठीक है, ठीक है। तो हमारे लिए तो गुरु जी था मतलब वो हमारा अलग रिलेशनशिप था। हमने कभी ये सोचा नहीं था कि गुरु जी मतलब ये होगा वो होगा। गुरु जी मतलब गुरु जी था, मतलब बिल्कुल। हम लोग शिवरात्रि के रोज गुरु जी के पास पहुंच जाते थे। हाँ जी, तो इसका मतलब क्या हुआ? शिवरात्रि के रोज तो हम लोग मंदिर नहीं जाते थे, हम लोग गुरु जी के यहाँ आ जाते थे। हाँ जी, बहुत बढ़िया। बहुत गाना होता था, ये होता था, तो वो जो माहौल था ना, तो वो हम लोग मतलब वो गिवन था। हाँ जी, गुरु जी का जो डिवाइननेस था वो गिवन था, और इसको लेके कभी किसी का शक नहीं हुआ, किसी का मन में नहीं आया। आया हम लोग बैठे रहते थे और ये डिवाइन डिविनिटी का एक्सपीरियंस करते थे। जब आप डिविनिटी का एक्सपीरियंस करेंगे ना, तब वो मन में नहीं आएगा कि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये शिव जी है, ये मतलब ये डिवाइन है, वो अपने आप हो जाता है। आपका माइंड सेट मतलब वो जाएंगे ना, आपका माइंड एकदम उसके साथ क्या बोलते हैं इमर्स हो जाता है। हाँ जी, तो जब इमर्स हो जाता है तब आपका अपना सत्ता नहीं रहता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आनंद अलग सा ही आनंद होता है, तो चुपचाप बैठे रहने से वो अलग सा ही मजा था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मतलब कोई कोई दिन संगत होता था, हमने तो कोई बात भी नहीं किया, मतलब मैक्सिमम संगत तो हमने बात भी नहीं किया, जाते थे गुरु जी को प्रणाम करते थे और चुपचाप बैठे रहते थे। अब मेरे ख्याल से गुरु जी के समय कोई गुल्लक भी नहीं होगी इसे अंकल, जो ऐसे आज मंदिर में रखी हुई गुल्लक, उस वक्त तो गुरु जी के समय में तो कोई गुल्लक भी नहीं थी मेरे ख्याल से। नहीं, वो सब कुछ नहीं था। और कोई बॉडी गार्ड भी नहीं रखते थे गुरु जी अपने साथ कोई भी? नहीं नहीं, हमने तो नहीं देखा। तो यही प्रभु में यही पहचान है ना, ये गुरु जी का बॉडी गार्ड क्यों जरूरत है? मतलब वही तो क्या, जैसे आज के गुरु सारे रखते हैं ना जी बॉडी गार्ड। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि गुरु जी तो प्रभु है, महाशिव है, भगवान है, सर्वे सर्वा है। तो ना टेलीविजन में प्रोग्राम, ना कोई मतलब शुरू में, ना मीडिया में, ना कोई बॉडी गार्ड, ना बॉडी गार्ड होगा, ये होगा। जब देखिए बॉडी गार्ड होगा जब आपका रिस्क है, ठीक है। तो गुरु जी का रिस्क क्या था? गुरु जी तो अपना घर में भी नहीं रहता था, उसका तो घर भी नहीं था। जी। वो तो सुधा आंटी के वहां रहती थी, रहता था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसका रिस्क कहाँ है? और जिसका रिस्क नहीं है उसका बॉडीगार्ड क्यों रहेगा? और नहीं, 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 आज के गुरु है, देखिए गुरु दो किस्म का होता है। अगर जो जो अपना मान लीजिए जो एक्चुअली मर्ज्ड विद द सुपर कॉन्शियसनेस है, जो कि शिव बन गया, शिव रूप हो गया, शिव हो गया, उसका क्या जरूरत है? हाँ जी, बाकी अगर गुरु बन के, और गुरु जी का तो कोई एसेट था नहीं। हाँ जी, वैसा देख लीजिए तो गुरु जी का तो अपना कोई एसेट था नहीं, ठीक है। और ना ही हमें कोई डोनेट करने, कुछ डोनेट करने गुरु जी देता था। हाँ, तो गुरु जी का डोनेशन भी बहुत कम था और खूब सीक्रेटिव था। कौन कौन डोनेट किया वो तो हमें मालूम भी नहीं है। पर मान लीजिए मैं तो इतना दिन का संगत हूं, मैं तो डोनेशन कभी नहीं किया। हाँ जी, एकाध हुआ होगा। तो हाँ जी, गुरु जी का रिस्क क्यों रहेगा और क्यों वो रहेगा? और संगत उस समय छोटा था, 2007 तक भी गुरु जी का उतना संगत नहीं था। हाँ जी, वो एक फैमिली का जैसा था। मान लीजिए 2007 जब गुरु जी ने महासमाधि हुआ उस समय भी कितना था, मैं उस दिन तो मैं भी था, मान लीजिए वहां कितना
200-250 लोग, हाँ जी, आज जैसे हजारों में लाखों में है, हाँ जी, उस समय वो नहीं था। और इसीलिए तो गुरुजी का कोई रिस्क परसेप्शन था नहीं, तो अगर रिस्क परसेप्शन नहीं रहेगा तो क्यों बॉडीगार्ड रहेगा, क्यों वो सब रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। गुरुजी का तो घर भी अपना नहीं था। मेरा कहने का मतलब ये अंकल, मैं कई गुरुओं के पास गया हूँ, लाखों लाखों खर्च हुए हैं मेरे और गुरुओं के पास, यहाँ एक रुपया भी खर्च नहीं हुआ। यहाँ रात और दिन का अंतर है, ये सब कुछ अंतर है यहाँ पर, क्योंकि ये खुद प्रभु है, महाशिव है, जादू ही दूसरा है। नहीं, यहाँ कोई एक रुपया भी आपसे लेगा नहीं, आप अगर देना कोशिश करोगे भी तो वापस कर देता है। हाँ नहीं, नहीं लेते जी, कोई मतलब ही नहीं है। तो ये मैंने अब दिया मन नहीं में कभी। अब मन में इच्छा है जी, गुरुजी का टेलीविजन में प्रोग्राम आना चाहिए, गुरुजी के सिटी के साईं बाबा के आते हैं, फिल्म बननी चाहिए गुरुजी। मैंने तो गुरुजी का संगत मान लीजिए करीब करीब 10 साल, तो मैंने तो कभी कुछ दिया नहीं। तो वो तो किसी ने नहीं दिया जी अंकल, किसी ने नहीं दिया। तो और ना मैं किसी को देखा हूँ, वही मैं बताता हूँ, ना मैं किसी को मतलब नहीं, यही मैं कहना चाह रहा हूँ, किसी गुरुजी ने कभी लिया ही नहीं, ना गुरुजी से का मतलब। और गुरुजी की ये प्रभु कर सकते हैं ना, प्रसाद आया, 1 किलो प्रसाद आया और उससे 500 आदमी को गुरुजी करवा रहे हैं, एक ही देखा होगा आपने भी,